हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता कि एक बार आप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना मेरे साथ पढ़े। सभी लोग हमारे माए बहने भी हमारे बच्चे भी नौजवान भी मेरे पीछे पीछे आप इसको पढ़ना, क्योंकि यही संविधान है जिसकी वजह से आज ये मंच लगा है और किसान का मेरे कमजोर शोषित मजदूर अपने हकों की बात भारत में रख रहे हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए सब संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतजाज द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मअर्पित करते हैं। धन्यवाद। बैठ जाओ। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा हमारी मातृशक्ति को, हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों को, बहनों को, माओ को, कि वो बहुत लंबे समय से यहां इंतजार कर रही हैं। मुझे बस चंद बातें आपसे कहनी। मुझसे पहले हमारे प्रभारी जी ने बहुत सारी बातें आपसे रखी और पूरे दिन मैंने आपके विधानसभा क्षेत्र में घूम के ये जोश और जुनून, ये ऊर्जा, ये उत्साह देखने का काम जो है मेरे द्वारा खुद किया गया। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि चौमू विधानसभा में आपने जो लक्ष्य बनाया है आने वाले समय में वो लक्ष्य पूरा होने जा रहा है, उस लक्ष्य को कोई रोक नहीं सकता। आज हमारे साथ मंच पर हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल जी, हमारे अनुशासन समिति के अध्यक्ष राजस्थान अमरचंद हसोलिया जी, नीचे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उनको अनुशासन का संदेश देने के लिए बैठे मिशन 78 के इंचार्ज राजस्थान मोहनलाल बैरवा जी, हमारे साथी जो मेरे साथ चल के आए राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर अमित कसाना जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई रामलखन मीणा जी, भाई सोएब जी, हमारी छोटू बहन छोटी बहन नीतू जी, हमारे प्रदेश के ओजस्वी प्रभारी भीम आर्मी भाई नील कुमार देवाल जी, हमारे प्रदेश के आजाद समाज पार्टी के प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, भाई अजय मेहरा जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव और हमारे वरिष्ठ नेता
भाई रविंद्र कुमार भाटी जी का भी इस मंच के माध्यम से मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और उनसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ साथियों का, जिन्होंने पूरे दिन धूल भी आई, टूटी सड़कें भी आई, धूप भी थी, पसीने पसीने हुए, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैं भी कार्यकर्ता का चुमू विधानसभा की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसकी गहराइयों से पूरे दिन लगे रहे। ना मैंने उनको कोई खाना खाते देखा, पानी पीते तो जरूर देखा कहीं से। अब कुछ साथियों ने बीच में पानी भी पिलाया और मेरे लिए तो अच्छा ये है कि कई जगह पे आज हमारे साथियों ने अच्छा भोजन भी जो है हम लोग को कराया। हमारे साथ भाई अनिल नागल जी और योगेंद्र भाटी जी भी हमारे साथ चल के आए, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हाँ मैं खड़ी करवा दू, इनको तो खड़ा होना पड़ेगा तभी रास्ता खुलेगा। मैं हमारे साथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता मुखेरिया जी भी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनका गांव भी रास्ते में पड़ा। सुनील भिंडा जी भी हैं हमारे संजय, ये कसाना जी भी हमारे जो है कासना से हमारे भाई आए हुए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये बबलू और वो तमाम साथी मैं तब बुलाऊंगा जब अपनी बात को मैं खत्म करूंगा इस विधानसभा के साथियों को। देखो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र से पहले राजा का बेटा राजा बनता था, सेनापति का बेटा सेनापति बनता था, वजीर का बेटा वजीर बनता था। लेकिन जैसा हमारे सीनियर साथी भाई मनोज तिवन जी ने मुझसे पहले आपको बताया कि जब लोकतंत्र आया तो ये शक्ति जनता के हाथ में आ गई कि जनता जिसे चाहे उसे कुर्सी में बिठा दे और जिसे चाहे उसकी कुर्सी खींच के उसको जमीन पे बिठा दे। ये ताकत जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की शक्ति से आपके हाथ में दी। मैं मध्य प्रदेश से यात्रा को शुरू करते हुए इधर आया हूं और अब हम राजस्थान में हैं। राजस्थान में राज तो किसी और का है, आपके हिस्से में क्या है ये मैं आपको बहुत जरा सा बता दूं कि मेरे आज भी याद है, मैं देर से छूटा तो हम लोग थाना गाजी आए, भाई महेंद्र जी भी हमारे साथ, फिर हम लोग चूरू आए, फिर हम लोग लगातार आते रहे, कभी पाली जब मुंह से रखने पे हत्या हुई, जब मटकी छूने पे हत्या हुई, इंद्र मेघवाल के परिवार से मिलने, फिर हम ओम प्रकाश रेगर हमारे छोटे भाई जब उन्होंने सुसाइड किया, जब अपमान उनके परिवार का हुआ, न्याय नहीं दिला पाए और पूरी सरकार ने उनका मजाक उड़ाया और एक मेरे छोटे भाई ने सुसाइड किया, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहां अजमेर में डटे रहे। कार्तिक भील का परिवार 8 महीने से सड़कों पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि उनको न्याय मिलेगा। बहन तोला गुजर के साथ जो अन्याय हुआ और तमाम तरह से जो इतने प्रकरण है, बंगड़ी प्रकरण हो और प्रकरण है, मैं तो यहां तक बताऊं, सीएचए के भाई जो हैं, अभी मुझे एक साथी मिला, उन्होंने कहा सीएचए वालों का भी ध्यान रखना। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं सीएचए वाले अगर हमारी मदद करेंगे तो सीएचए के सभी साथियों को उनकी नौकरी है वापस दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इस बात को आप मेरी याद करना। जब मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनके हक की आवाज उठाने तो 4 दिन मुख्यमंत्री जी ने मुझे उठा के जेल में गिरवा दिया। अब मैं तो जेल जाता रहता हूं, जेल से कौन घबराता, मैं और हमारे 20 साथी 4 दिन तक जेल में रहे, जेल की समस्याएं सुनते रहे, उसके बाद बाहर आए फिर संघर्ष के दौर में चले गए। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके पास शक्ति नहीं होगी तो आपके साथ अन्याय होगा और अगर आप अन्याय को रोकना चाहते हो तो इसकी ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट के रूप में आपको दी है। अगर आप अपने वोट को संगठित करके अपने लोगों को दो, जो लोग बिना किसी स्वार्थ के पिछले 6 साल से जिंदा नहीं करके आपके बीच में खड़े हैं और तमाम तरह के अन्याय पे आपके आवाज बन के खुद भी लाठियां गोलियां मुकदमे चेहरे तमाम तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, ऐसे भीम आर्मी के एक एक बहादुर साथी का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस सरकार को और उससे पहले दो
2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दांत खट्टे करके बता दिया था कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी फैसला होगा ना हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे और ना ही किसी सरकार का सम्मान करेंगे। जो भी हमारे अधिकारों के साथ खेलने का काम करेगा उस सरकार को भी और उस व्यवस्था को भी हम लोग खून चढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे अपने बारह साथियों का धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर आपके पास सत्ता नहीं है, राजनीतिक शक्ति नहीं है, तो आपके साथ ये होगा जो नासिर जुनैद के साथ हुआ कि पुलिस की आंखों के सामने, सरकार की आंखों के सामने कुछ दरिंदे आते हैं, उन दोनों बच्चों को उठा के ले जाते हैं, पहले पीटते हैं, अंधभरा कर देते हैं और फिर उनका दिल नहीं पसीजता, उनको गाड़ी में जिंदा जला के मार देते हैं सीट बेल्ट लगा के। और फिर क्या हो रहा है यहां पे नहीं देखा, मुख्यमंत्री जी को नहीं पता लगा कि उनके प्रदेश में क्या हुआ, जब हमने पूरे राजस्थान के हर जिले में आंदोलन कराया, पूरे हरियाणा के हर एक जिले में आंदोलन कराया, जब हमने उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में आंदोलन कराया, उत्तराखंड में आंदोलन कराया, तब मुख्यमंत्री नींद से जागे। मैं तो सामंतवाद का डर मानता हूं राजस्थान को, क्योंकि मैंने देखा है हर जगह पे न्याय के लिए सब लोग साथ खड़े होते हैं, लेकिन यहां अन्याय करने वालों के पक्ष में पंचायतें होती हैं, अन्याय करने वालों के पक्ष में सभाएं होती हैं, न्याय मांगने वालों को रोक दिया जाता है, उनको वापस यहां पर उठा के दिल्ली भेजा जाता है और अन्याय का साथ देने वालों को पुलिस की सुरक्षा में उनकी सभाएं कराई जाती है, दिखाने के लिए कि अगर कोई भी दलित पिछड़ा आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति आवाज उठाएगा तो उसका सब कुछ चला जाएगा, उसकी मदद कोई नहीं करेगा। इसलिए भीम आर्मी के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीनने पड़ते हैं, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार लेने पड़ते हैं, और ले वही सकता है जिसके पास शक्ति है। अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो शक्ति लेकर इकट्ठा करो, और शक्ति संगठन में है, पूरे राजस्थान में आपके पास संगठन है, एक एक बूथ पे आपके पास व्यक्ति है, हर एक विधानसभा में व्यक्ति के साथ साथ वोट दिलाने के लिए मन बना के अपने साथियों से, जैसा मनोज भाई ने कहा, उनका समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं बस ये कह रहा हूं कि अपने दो साथी मित्रों को ये कहो कि बहुत हुआ हमने दूसरों पे भरोसा किया और हर बार भरोसा करके हम लोग खड़े गए, अब हमें किसी के भरोसे नहीं रहना, अब हम पे अपना घर है, अपना प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे हम अपने हकों की आवाज उठा सकते हैं और अन्याय को दमन करने वालों को सबक सिखा सकते हैं। अगर आप न्याय दिलाना चाहते हो तो संघर्ष करो सड़कों पे, और अगर चाहते हो कि आपके लिए अवसर पैदा हो और न्याय आपके अन्याय आपके साथ हो ही नहीं, फिर किसी जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश नगर, कांते बिल और नासिर जुनैद के साथ अन्याय ना हो तो फिर अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जिनके पास ताकत होती है उनको जुर्म की परछाई भी नहीं छू सकती है। अगर आप चाहते हो राजस्थान में आपकी ताकत बने तो फैसला लो, और मैं स्वागत करूंगा कि मुख्यमंत्री आए चोनू, जैसा प्रभारी जी ने कहा अपने बेटे को ना भेजे, खुद आए लड़ने, और फिर हम उन्हें बताएंगे कि हर एक मुख्यमंत्री के खिलाफ हमने, जो मुख्यमंत्री जो ये सोचता है कि उससे बड़ा कोई नहीं, उस हर एक मुख्यमंत्री को सबक सिखाने का फैसला हम लोगों ने कर रखा है। हम यही से सतपाल चौधरी के लिए जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि इतिहास याद रखेगा, दोबारा कोई मुख्यमंत्री हमदर्दिता नहीं करेगा, दोबारा कोई मुख्यमंत्री स्वागत वायुदेव का साथ नहीं देगा, दोबारा कोई मुख्यमंत्री गरीबों की साथ हुए अन्याय पर नहीं हंसेगा। मैं स्वागत करूंगा मुख्यमंत्री जी का वहां लड़ने, और हम भी सारे क्षेत्र को छोड़ के चोमू में ही ज्यादा समय लेंगे और चोमू से बताएंगे कि जनता तय करती है कि कुर्सी पे कौन बैठेगा और सड़क पे रोड मास्टर बन के कौन घूमेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंदिर, जय सरदार, जय जोहार, आप सभी के लिए मंगल कामना है। मैं विधानसभा की टीम से कहूंगा कि आ जाओ, तुम हो तो हम हैं, और जब तुम हो तो क्या दम है, आओ आओ, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत, आज तुमने दिल खुश कर दिया, आओ आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, विधानसभा के साथ ही आओ,
और मेरे साथ संकल्प लो कि आज के बाद ऐसे हाथ करो ऐसे हाथ, आज के बाद हम लोग बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे और दिन रात अपने क्षेत्रों में जाके अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण ईमानदारी से निर्वाहन करके आजाद समाज पार्टी का खाता सबसे पहले जब रिजल्ट आएगा 10:30 बजे चोमू विधानसभा से खोलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मेरा ये मानना है कि आपका ये जज्बा चोमू में एक नया सूर्य लेके आएगा, चोमू में एक नया उजाला लेके आएगा और चोमू में नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।